हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट 9:15 पे खुल जाता है और मैं आपको यहाँ पे 9:16 में एक ट्रेड दे देता हूँ और यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता है। तो सेम चीज़ आप भी किस तरह से पता लगाओगे कि मार्केट खुला तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आपको कॉल परचेस करना है या फिर पुट परचेस करना है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ पिवट पॉइंट के बारे में। पिवट पॉइंट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ईजिली पता चल जाता है और आप उसी हिसाब से अपना टारगेट लगा सकते हो मार्केट में कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसके में आपको सेल करना है या फिर वहां पे परचेस करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों पिवट पॉइंट का आपको मैं 2-3 कमियां बताता हूं। सबसे बड़ा कमी जो इसका ये है कि इसको कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करना है। ठीक है, पहला चीज, डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज मत करना। हमेशा यूज करना इस वाले चीज में, ऐसे वाले चीज में जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो, वॉलिटिलिटी ज्यादा हो, मतलब किसी भी ऐसे स्टॉक में आप यूज मत करना जहां पे वॉलिटिलिटी बहुत कम होता है, जैसे पेनी स्टॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें आपको यूज नहीं करना है। और हां, निफ्टी बैंक में या फिर आप निफ्टी 50 में बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हो। इसका जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है ना वो 15 मिनट का आप रख सकते हो। मैं यहां पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख करके सभी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको एक बार दिखाता हूं। यहां पे देखो टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का रखा हुआ है, निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है और यहां पे आप इस चार्ट को एक बार देखो और खुद से सोचो कि ये चार्ट आपको क्या बता रहा है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये पूरे चार्ट में ना एक चीज़ हो रहा है बार बार, मार्केट क्या हो रहा है, कई बार यहाँ पे जो है लाल कैंडल बना रहा है, कई बार ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो आप यहाँ पे कैसे पता लगाओगे कि मार्केट यहाँ से इस जगह से नीचे ही आएगा या फिर इस जगह से ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्लोज मार्केट है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जगह पर आ गया, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन जब मार्केट ओपन रहता है उसमें पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम में ही आप ट्रेड कर रहे होते हो और अगर एक छोटा सा भी गलती आपसे हो गया ना तो आपका जो प्रॉफिट का सपना है वो चूर चूर होने वाला है और आपको लॉस हो जाएगा। तो चलो स्ट्रेटजी बताता हूं क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, देखो यहां पे आप एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पे स्टडी वाला एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको सिंपली क्लिक करना है। स्टडी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे सर्च में जाना है, सर्च में जाकर के पिवट पॉइंट सर्च करना है। देख लो यहां पे मैंने पिवट सर्च किया। ठीक है, पिवट सर्च करने के बाद में सिंपली आप एक बार और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, पिवट पॉइंट जो है वो हमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद में इसको डन कर देना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लाइंस आ गए हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि कौन से लाइन का क्या मतलब है। अब मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक किया और उसके बाद में मैं चलो आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ का मतलब क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रहा है ना, ये वाला रेड लाइन देखो, बड़ा सा लाइन है रेड सा, ये आपका पहला वाला जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये, ऊपर में भी देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करता है अगर मार्केट तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा और उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे में आप देखोगे तो ग्रीन लाइन आपको ये वाला दिख रहा है, ये सभी ग्रीन लाइन दिख रहे हैं ना, तो ये ग्रीन लाइन जो है वो आपका पहला सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आएगा तो सपोर्ट लेगा, अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो और भी नीचे जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो स्टार्ट कितने बजे होता है, आप सभी को पता होगा मार्केट 9:15 में एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 9:15 पे, ठीक है, 9:15 में मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो ये ब्लैक वाला आपको एक अलग से लाइन देखने को मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक वाला ही लाइन आपको यहीं से पता चलेगा मार्केट में कॉल होने वाला है या फिर पुट होने वाला है। देखो मैं आपको कैसे होता है ये सभी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे 5 मिनट का आप कैंडल देख रहे हो ना, 5 मिनट का यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है जो कि ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था गैप डाउन, मतलब नीचे की तरफ मार्केट ओपन हुआ था, तभी जाकर के ये कैंडल यहाँ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है। और जैसे ही ये कैंडल देखोगे, कैंडल कंप्लीट कहाँ पे हुआ है, ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है इसके ऊपर, ये आपका मेन पिवट होता है। मेन पिवट मतलब ये एक एवरेज पिवट है, अगर कैंडल इसको ब्रेक कर देता है ना ऊपर की तरफ में, तब यहाँ पर आप समझ सकते हो मार्केट में एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का जो है ट्रेंड वो अपर ट्रेंड है। इसी के हिसाब से मैं आपको ट्रेड भी देता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मार्केट अपर ट्रेंड है और वहाँ से आपको ट्रेड देता हूँ और वहाँ से आप प्रॉफिट देख सकते हो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। पॉइंट्स के हिसाब से भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फोन में इस तरह से प्रॉब्लम होता है जब भी हम चार्ट को रोटेट करते हैं तो। अच्छा चलो, यहां पे अभी वापस से एक बार ठीक से आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरह से ये सभी चीजें काम करती है। ठीक है, तो आप यहां पे देख लो, यहां पे मैं टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं और उसके बाद में यहां पे एक बार वापस से 9:15 में आता हूं मैं। ठीक है, 9:15 में यहां पे आ गया। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है,
देखो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब मेन पिवट को ब्रेक किया ऊपर के तरफ में कैंडल, चाहे वो कोई भी कैंडल हो, ग्रीन हो, हरा हो, जो भी हो, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना है और ब्रेक किया है, मतलब हमको एक कंफर्मेशन मिल गया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हो धीरे 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 करते करते मार्केट कहाँ तक गया है, कितना ज़्यादा ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया होगा वो आप देख सकते हो 36545 पे है। हमने यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लिया था, आपको वो चीज़ भी एक बार दिखा देता हूँ मैं अच्छे से। देख लो, हम यहाँ पे एंट्री जो लिए थे ना, वो पॉइंट चल रहा है 36440 का, 36435 440। अब आप मान लो 450 में भी अगर एंट्री लेते हो तो फर्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ पे होगा, 552 पे, मतलब 100 पॉइंट यहाँ पे आपको मार्केट में मिल रहे हैं सिर्फ एक मिनट के अंदर। 100 पॉइंट का मतलब होता है लगभग लगभग मार्केट में आपको 80 रुपीज़ का यहाँ पे मूवमेंट जो है वो मिल गया होगा, 80 रुपये का यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लगभग आपको 2000 का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये पहला चीज़ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड अगर अपर साइड में है, मतलब कि ये बीच वाले लाइन को अगर ब्रेक कर दिया है ना पिवट, तो कभी भी आपको ना डाउन में नहीं घुसना है। दिखा देता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा यार प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मार्केट ये ब्लैक वाले कैंडल को तोड़ करके ऊपर की तरफ ओपन होता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे पुट लेने का सोचना भी नहीं है। हमेशा यही सोचना है कि कहाँ पे आपको पॉइंट मिले, कहाँ पे आपको जगह मिले, ताकि आप कॉल ले पाओ, ठीक है। और टारगेट आपका पहला कहाँ रहेगा, फर्स्ट वाले सपोर्ट के सब सॉरी फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 545 पे बना हुआ है। यहाँ पे आप लेवल भी देख लो 545, और ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, सॉरी ये वाला जो लाइन दिख रहा है लाल वाला लाइन, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो मतलब आप यहाँ पे बेच सकते हो, पहला आपका टारगेट अचीव हो गया है। अब वैसे ही जैसे मान लो ये फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस था, आपको पता है रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो सेकेंड वाले रेजिस्टेंस की तरफ भागता है मार्केट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस के पास आता है मार्केट और एक कैंडल वापस से हमको रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ना ये ग्रीन कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर दिख रहा है, जैसे ये रेजिस्टेंस के ऊपर दिखे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और दूसरे वाले रेजिस्टेंस के लिए जा सकते हो। ये कितने पॉइंट का है, 545 से 717, ठीक है, मतलब लगभग लगभग 150 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। अब ये जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पे किया है देख सकते हो, लेकिन फिर भी ऊपर 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 भागा है और ये थर्ड रेजिस्टेंस की तरफ गया है और थर्ड भी ब्रेक करके ऊपर गया है। तो पहले ही वाले ट्रेड में मार्केट खुलते ही आपको ये चीज़ पता चल जाएगा यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। अब सेम मैं यहाँ पे आपको ना एक बार वापस से पिवट पॉइंट हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ पिवट पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पे पिवट पॉइंट क्लियर हो गया, अब यहाँ पे आप देख करके बताओ आपको पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप पिवट पॉइंट यूज़ करोगे तो वो चीज़ आपको पता चलेगा। तो ये तो चलो फर्स्ट एग्जांपल था, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देख करके बताता हूँ। वापस से मैं आ जाता हूँ एक नेक्स्ट वाले चार्ट पे और वापस से वही 10 बजे वाले कैंडल पे मैं यहाँ पे 9:15 में जब मार्केट खुलता है वहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 9:20 और ये आपका 9:15, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको वापस से पिवट पॉइंट एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था स्टडी पे जाना है, पिवट पॉइंट सर्च करना है और उसको डन कर देना है। ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम वही है, डेट अलग है ये, ठीक है, ये 30 तारीख का है, हाँ। और 30 तारीख को मार्केट जो है वो ओपन कहाँ पे हुआ है, पिवट पॉइंट के ऊपर, मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना जो ब्लैक वाला जो सर्कल दिख रहा है उसके ऊपर ही, ब्लैक वाला जो लाइन है उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, इसके आसपास तक आया और यहाँ से पूरा बाउंस ले लिया मार्केट और अच्छा खासा यहाँ से ऊपर गया। देखो आप पहला वाला रेजिस्टेंस तोड़ा, उसके बाद में फिर थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से फिर धीरे धीरे करके नीचे आया और जैसे ही पहला जो रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट अब काम करेगा तो उसको ब्रेक किया है और उसके बाद में धीरे धीरे आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया है। ये थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख रहा है लेकिन पॉइंट्स के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो ये ग्रीन वाले कैंडल पर तो आप 36311 में एंट्री ले रहे हो। आप बगल में देखो यहाँ पर दिखा रहा है आपको टाइमिंग, 36311 पे आप एंट्री ले रहे हो, आपका फर्स्ट जो टारगेट है वो पहले ही कैंडल में यहाँ पे अचीव हो गया जो कि 36465 का है। तो 311 में 36311 और 36465 लगभग यहाँ पे 150 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे और 150 पॉइंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट जो है वो डबल होने वाला है, जो भी आपने पैसे लगाए वो डबल होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, इसको आप प्रैक्टिस करो, एक बार में आपको समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। 10, 20, 25 चार्ट को आप प्रैक्टिस करो, वहाँ पे पिवट पॉइंट एक्टिवेट करो और जा करके देखो कि किस तरह से मार्केट वर्क कर रहा है। अगर सेम यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा, जैसे कि मान लो ये जो आपको ब्लैक लाइन देखने को मिल रही है, ये ब्लैक लाइन के नीचे ही अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, और उसको तोड़ करके एक भी हरा कैंडल नहीं बनाता है, इसके नीचे ही अगर ओपन हो रहा है मार्केट एक दो मिनट के अंदर में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज जो मार्केट है वो बियरिश होने वाला है, मतलब कि आपको पुट में ट्रेड करना है, कॉल में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है।
तो दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है हार्ड लग रहा होगा चीज़ें, तो आप इसको वीडियो को एक दो बार और अच्छे से देख लोगे ना तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बंद मार्केट में प्रैक्टिस करना। जब तक आप बंद मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आपको सही से समझ में नहीं आएगी। तो आप ट्राई करो कि 20-25 चार्ट ये वीडियो को देखने के बाद में आप प्रैक्टिस कर लो, तब जा करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और चालू मार्केट में पेपर ट्रेड करके देखो कि आप जैसा एज्यूम किए थे वहाँ से मार्केट उसी तरह से ऊपर जा रहा है या नहीं। 80-90% टाइम में ये जो है चीज़ें जो है मार्केट फॉलो करता है, पिवट पॉइंट को बहुत इजीली फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कॉल लेना है या फिर पुट लेना है, और अगर कॉल आप लेते भी हो तो कौन से जगह पे आपको एंट्री करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ पे एंट्री जो कर रहे हो ना वो इस वाले जगह पे कर रहे हो, ये आप जानते हो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। इसको अगर ब्रेक करें तब आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट तो इस ब्लैक वाले लाइन का ही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो, अपना टारगेट रख सकते हो कि कहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है आपको पता चल गया, उस हिसाब से आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। और अगर यहाँ पे SL रखने की बात करूँ, स्टॉप लॉस रखने की बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर तो ओपन हुआ है, लेकिन जैसे ही मान लो अगर यहाँ पे काम नहीं करता है और इस वाले लाइन को ब्रेक करके एक कैंडल बना देता है ना, तो यहाँ पे आपको अपना SL जो है वो ले लेना है, जिसमें आपको 10 से 12 पॉइंट का लॉस होगा, यानी 200-250 रुपए लॉस होंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो लगभग 2000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो उस चीज़ को आप मैनेज करके चलो, इस हिसाब से आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। इसी तरह की और भी वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर में आपको देखना होता है, तो वो सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक बेसिक था लेकिन बहुत ज़्यादा वर्केबल है, अगर आप इस पर ध्यान देते हो तो अच्छा खासा आप सीख सकते हो मार्केट से। आपको चार्ट देखने का तरीका पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से कॉल जाएगा और कहाँ से पुट जाएगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर मैं आपको कॉल और पुट देता हूँ मार्केट को एनालिसिस करने के बाद में। आप चाहो तो अपने मर्जी से वहाँ पर कॉल और पुट जो भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उसमें आप देखो, एक बार खुद से एनालिसिस करो और उस हिसाब से आप ट्रेड जो है वो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।